हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 27। अ लाइट रे एंटरिंग अ राइट एंगल प्रिज्म अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन एट द फेस ए सी ऑन द फिगर वन। ये फिगर वन दे रखा है, लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे इमर्ज हो गई है, ग्रेसिंग इमर्जेंस बोलते हैं इसको। लाइट सरफेस से टच करके चलती है ना प्रिज्म, तो उसे ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? प्रिज्म के मेटल का इंडेक्स पूछ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहां करते हैं। तो वो जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये हमें फिगर दे रखा है। इसे दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो आप स्नेल्स लॉ से लगा के कर सकते हो कि प्रिज्म के मेटल का इंडेक्स पूछ रहा है। मान लो ये म्यू जी है, कांच का बना है, और ये एयर है, एयर का रिफ्लेक्स वन होता है। इसमें हमें ये फिगर दे रखा है, ये इंसिडेंट रे। यहाँ पे सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ होगा, तो आई बराबर 0, आर बराबर 0, लाइट सी चली जाएगी। फिर यहाँ से लाइट ऐसे इमर्ज कर दी उसने, ग्रेजिंग इमर्जेंट करते हुए। तो इस जगह, इस वाले फेस ए सी के लिए, इस सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हुआ और सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पी पॉइंट। अब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपका 45 दे रखा है, तो किसी ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180, तो ये भी 45 होगा। ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा सोचो, ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180 होता है, तो ये 45, ये 90, तो ये 45 होना चाहिए। अब इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो 90 में से ये पूरा 90 है, ये पूरा, तो ये वाला एंगल जो है 45 आ जाएगा। तो फेस एसी के लिए ये जो एंगल है, ये इंसिडेंस एंगल है फेस एसी के लिए, और रिफ्रैक्शन एंगल देखें तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है फेस एसी के लिए 90 डिग्री। अब इस जगह पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, एक तो स्नेल्स लॉ से कर सकते हो, स्नेल्स लॉ लगा दो, तो म्यू जी इंटू साइन आई, म्यू जी इंटू साइन आई, ये आई है ना बेटा और ये आर हो गया, तो म्यू जी इंटू साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आर, ऐसे लगा सकते हो, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इधर से इधर जा रहे हो तो ये जी पहले आएगा और म्यू ए आएगा। लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास टू एयर, इसको ले सकते हैं हम ऐसे म्यू ए अपॉन म्यू जी, इसका सम मल्टीप्लाई कर सकते हैं म्यू जी इंटू साइन आई और म्यू ए इंटू साइन आर। ये देखो यही तो आ रहा है, म्यू जी की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू रखी है साइन 45 डिग्री। म्यू ए एयर का इंडेक्स वन होता है, ये एयर है, और जब कुछ गिवन नहीं तो एयर मान लेते हैं। साइन आर 90 डिग्री है, साइन 90 के लिए वन हो गई, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसका सम मल्टीप्लाई कर लो तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया मटेरियल का, वो √2 आ गया। एक तरीका और था इस करने का, इसी को करने का, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आर म्यू डी, आर फॉर ऑप्टिकल रेयर मीडियम, डी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1/sin c। ऐसे हमें मोस्टली याद होता है कि म्यू बराबर 1/sin c, याद ऐसे करिए, इधर ऑप्टिकल रेयर मीडियम आएगा, इधर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आएगा, इक्वल टू 1/sin c। सी इज अ क्रिटिकल एंगल, सी इज अ क्रिटिकल एंगल। तो इसमें हमें किस तरीके से करें या नहीं करें, इसमें क्रिटिकल एंगल नहीं मालूम यार, निकालना पड़ेगा फिर वो, नहीं इससे नहीं होगा, ये समझ में आया आपको? ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। वैसे क्रिटिकल एंगल ही होगा ये, क्योंकि आई बराबर सी होता है तब आर बराबर 90 डिग्री होता है, तो आई जो सी क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री होगा। यहाँ पे कर सकते थे, इसमें क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर सी होने पर लाइट डेंसर टू रेयर जाए, और आई सी के बराबर हो तब आर बराबर 90 डिग्री होता है, तो ये जो आई है इस समय वो क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे 45 लिख के, यहाँ ए लिख के, यहाँ जी लिख के, ए म्यू जी बराबर 1/sin 45, तो सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, म्यू जी इक्वल टू √2। कर सकते थे लेकिन चलो ये ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं बेटा।
सेकेंड पार्ट में आ जाए तो लिख रहा है इफ द साइड ए सी ऑफ द एबव प्रिज्म नाउ सराउंडेड बाई अ लुक्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2√3 एज शोन द फिगर डिटरमाइन इफ द लाइट रेज, ये फिगर दे रखा है इसमें यहां पर लुक्ड भर दिया ऐसा कहता है जिसका इंडेक्स 2/√3 है. डिटरमाइन द रे ऑफ लाइट कंटिन्यूस टू ग्रेज अलोंग द इंटरफेस, इसे ग्रेजिंग बोलते हैं बेटा. अभी भी लाइट ऐसे ही जाएगी या फिर अंडर वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सरफेस से TIR हो जाएगा या फिर रिफ्रेक्शन हो जाएगा, लुक्ड लुक्ड में लाइट चली जाएगी. क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लाइट ग्रेज करके जाएगी या फिर TIR हो जाएगा या फिर वो लुक्ड में चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी. इन तीनों केस में कौन सा केस पॉसिबल है ये पूछ रहा है. तो देखो जब भी लाइट डेंसर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम में जाए तो वहां पे तीन सिचुएशन हो सकती है. पहली आई ग्रेटर देन सी, इस वाले केस में TIR होगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, एक केस हो सकता है. दूसरा हो सकता है आई इक्वल टू सी, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, आर बराबर 90 डिग्री होगा. और तीसरा आपका आई लेस देन सी तो फिर सिंपल रिफ्रेक्शन होगा, लाइट रिफ्रेक्ट हो जाएगी अदर मीडियम में, सिंपल रिफ्रेक्शन होगा लाइट. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन है. इसके लिए अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, सर इसमें तो 45 था, नहीं इसमें 45 था लेकिन जब लुक्ड भर देंगे तो चेंज हो जाएगा क्योंकि उधर एयर है बेटा, इसमें चेंज हो जाएगा. जरा समझें कैसे. तो ऐसे समझो कि ऐसे एक ये बना लो और इधर एक लुक्ड भर रखा है उसने ऐसा. अब इस लुक्ड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रखा उसने 2/√3 और इस कांच का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने अभी भी निकाला है वो √2 है. और यहां से लाइट ऐसे आ रही है, इस वाले फेस एसी पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ये आएगा. तो ये तो 100% है कि ये एंगल तो 45 डिग्री ही रहेगा, आई तो 45 ही है क्योंकि ये 90 है, ये 45 है तो ये 45 होगा और ये 45 तो ये 45 तो ये 45. तो फेस एसी के लिए इंसिडेंस एंगल 45 है. अब क्रिटिकल एंगल कितना है वो निकालेंगे, तो इससे निकाल लो बेटा. अब ये तो पक्का है कि प्रिज्म तो कांच का होगा और ये लुक्ड है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो इसका ही ज्यादा है, √2 ज्यादा है 2/√3 से, चेक कर लो. नहीं तो यहां पर हम आर म्यू डी लिखें तो इधर आएगा आर रेयर मीडियम, तो दैट मीन्स रेयर मीडियम लुक्ड है. म्यू डी डी डेंसर मीडियम कांच का प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c. यहां से क्रिटिकल एंगल निकाल लो बेटा, म्यू जी ओवर म्यू एल इज इक्वल टू 1/sin c. म्यू जी रखा है हमें कितना √2 और म्यू एल रखा है 2/√3 तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा इज इक्वल टू 1/sin c. देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा √2 का, दोनों को उल्टा करें, ये 1/sin c ये √3/2 है तो दोनों को उल्टा कर लें तो sin c इज इक्वल टू कितना आएगा √2 और √3. और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है नीचे, देखो ये दे रखी है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं √2 और √3 इज इक्वल टू साइन, इसको दले साइन इनवर्स है ना 54.60 डिग्री. तो ये वाली वैल्यू साइन 54.6 डिग्री की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू sin c इज इक्वल टू साइन 54.6 डिग्री की वैल्यू, साइन से साइन कट गया तो क्रिटिकल एंगल आ गया 54.6 डिग्री. भाई पेयर ऑफ मीडिया इसमें बच्चे कहेंगे सर इसमें तो अभी 45 बता रहे थे, भाई इसमें पेयर ऑफ मीडिया था ग्लास और एयर, ग्लास टू एयर, ये पेयर ऑफ मीडिया था, इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है, बराबर 90 डिग्री है तो ये आपका 45 होगा. लेकिन यहां पर पेयर ऑफ मीडिया बदल गया है बेटा, यहां पर पेयर ऑफ मीडिया हो गया है ग्लास टू लुक्ड हो गया है, ग्लास टू लुक्ड हो गया, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा, पेयर ऑफ मीडिया बदलने से क्रिटिकल एंगल बदलता है. तो 50 पर इतना, तो आप चेक करो आई ज्यादा या सी ज्यादा, तो सी आ रहा है आपका 54.6 डिग्री, तो आई कम है सी ज्यादा है तो आई लेस देन सी, दैट मीन्स लाइट लुक्ड में चली जाएगी बेटा, ना TIR होगा, ना TIR होगा ना ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा. तो कि ग्रेजिंग इंसिडेंस होने के लिए आई और सी बराबर होनी चाहिए और यहां पर आई बड़ा होना चाहिए, तो ये सिंपल रिफ्रेक्शन होगा, लाइट लुक्ड में जाएगी, तो सिंपल रिफ्रेक्शन लाइट लुक्ड में जाएगी. तो जो क्वेश्चन में कह रहा ना कि
लाइट रेज, या नीचे लिख देंगे, अगले पेज पे करता हूँ, नीचे लिख देंगे ऐसे कि लाइट रेज अंडरगोज रिफ्रैक्शन इनटू द लिक्विड, लिक्विड में जाएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि आई लेस देन सी है। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इसी में, ड्रॉ द रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द इंसिडेंट रे विद करस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यूज। मतलब अब रे डायग्राम बनाने की कह रहा है इसमें, रे डायग्राम बना दो बेटा, इधर लुकेड है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लुकेड का 2/कितना, √3, और यहां से लाइट ऐसे आ रही है, ये फेस एसी है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंस एंगल तो आपका 45 है, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस जगह पे बेटा स्नेल्स लॉ लगा लो, पहले आर निकालो, आर कितना है ना, तो इंसिडेंट इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू एल इंटू साइन आर। म्यू जी तो दे रखा है √2, साइन 45, म्यू एल दे रखा है 2/√3 और साइन आर, तो देखो इसकी वैल्यू हो गई √2, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, और ये 2/√3 हो गया और साइन आर, इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर लो √3/2, इसको नीचे इसको ऊपर साइन आर, तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई बेटा, साइन आर इससे कट गया, आर बराबर 60 डिग्री, तो रिफ्रेक्शन एंगल नॉर्मल के साथ 60 डिग्री होगा, तो नॉर्मल तो ये है, तो लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री आएगा, ये रिफ्रेक्टेड रे, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो हमें डायग्राम बनाना था उसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।